जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, 29 मार्च से चैत्र का महीना प्रारंभ हो चुका है, जो 27 अप्रैल तक चलने वाला है। चैत्र मास के आखिरी दिन यानी पूर्णिमा पर चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में उपस्थित होता है, इसलिए इस मास को चैत्र कहा जाता है। इस माह में कई त्यौहार आते हैं, इसलिए इसे भक्ति का महीना भी कहा जाता है। चैत्र के महीने का बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व है। चैत्र के महीने को हिंदी कैलेंडर का पहला महीना माना गया है। दोस्तों, पुराणों के मुताबिक चैत्र मास में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी माह में जगत पिता भगवान विष्णु के पहले मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था। उनका यह जन्म वेदों की रक्षा के लिए हुआ था और वह एक मछली के रूप में जन्मे थे। पृथ्वी पर जन्मे पहले नर मनु की नौका को भी भगवान विष्णु ने असुरों से बचाया था। चैत्र मास में ही देवी शक्ति का अवतरण भी हुआ था, इसलिए इस मास में चैत्र नवरात्रि भी धूमधाम से मनाई जाती है। ये पर्व 9 दिन का होता है। नवरात्रि के 9वें दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का जन्म दिवस भी होता है, इसलिए इस पर्व को रामनवमी कहा जाता है। इस महीने में आप ऐसा क्या करें, चैत्र माह में आप ऐसा क्या करें कि आपका जीवन बहुत ही सहज और सरल हो जाए? मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाली हूँ। आप अवश्य शुरू से अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें। दोस्तों, चैत्र के महीने में नीम के पेड़ की पूजन अवश्य करनी चाहिए, अवश्य ही करनी चाहिए, और नीम की पत्तियों का सेवन भी करना चाहिए। कई लोग जानते हैं, आपको आपके घर के पुराने लोग जैसे दादी नानी कहा भी करती होगी कि इस माह में जो नीम की पत्तियों का सेवन करता है गुड़ के साथ, उसको पूरी साल भर कोई बीमारी नहीं सताती। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि चैत्र मास में नियमित नीम के पेड़ में यदि जल चढ़ाया जाए और उसका सेवन भी किया जाए तो शरीर सेहतमंद रहता है और किसी भी प्रकार का संक्रमण या रोग नहीं लगता। चैत्र के महीने में ही सूर्यदेव की पूजन करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस माह में सूर्य की पूजन करने से आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है। इतना ही नहीं, यदि आपकी कुंडली में सूर्य दोष भी है तो वह दूर हो जाता है। इस माह नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आप जल में गुड़ हल्का पुष्प और लाल चंदन मिला सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में अनुशासन आता है, मन में बुरे विचार और छल कपट आना बंद हो जाता है। इस माह में आपको भगवान विष्णु की पूजन और आराधना जरूर करनी चाहिए। यह माह आपको भगवान विष्णु के मछली के स्वरूप की पूजन करने के लिए विशेष महत्व मिलता है। मछली पालना, उसकी सेवा करना इस माह बहुत ही लाभकारी माना गया है। ऐसा कहा जाता है यदि चैत्र मास में मछलियों को आटा डाला जाए, इसका आपको विशेष फल प्राप्त होता है। जो कोई बहुत ज़्यादा कर्जे से घिरा हुआ है, कर्जे से ग्रसित है, या दरिद्रता उसके घर में निवास करने लगी है, तो आप यह कार्य अवश्य कर देखें। चैत्र मास में मछलियों के लिए थोड़ा सा आटा आप लगा कर ले जाएं, आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालें। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मास में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, और जब आप मछलियों को आटा डालते हैं, उनका भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी आपके भोजन की व्यवस्था स्वयं कर लेती है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपकी आर्थिक दशा सुधर जाती है। चैत्र मास में देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों की आराधना करना बहुत लाभकारी माना गया है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और घट स्थापना की अलग ही महत्व हुए। ऐसा मान्यता है कि घट स्थापना करके आप 9 दिन के लिए घर में देवी को रहने के लिए निमंत्रित करते हैं। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है। महाभारत ग्रंथ के मुताबिक इस माह में केवल एक ही समय खाना खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए, और अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर और दिमाग दोनों में ताजगी बनी रहती है। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी, आवश्यक, जानने योग्य बातें हैं। आप इन बातों पर यदि थोड़ा सा भी अमल कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही पुण्यों का संचय होता है और जीवन की जो भी समस्याएं हैं उन सब का विनाश हो जाता है। कर देखिए
ओम नमः शिवाय।